व्यक्ति थी, तो उनसे हम लोगों का कोई तालमेल नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, और महागठबंधन का टूट का मतलब है कि अल्टीमेटली वो भाजपा को मदद करना है, तो उसको तो डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है। और डिक्टेटरशिप से पार्टी नहीं चलती है। लालू जी का मामला था, लालू जी का समय था जी, समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो भंग करते हैं महागठबंधन। कोई बिचारे एक पार्टी लाद नहीं सकती, कहें कि महागठबंधन लाद से नहीं है, हम ही अकेले हैं जो है सो करेंगे। कि कल भी इसी चर्चा हमने किया है जी, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में एक की बात नहीं होती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। और सामूहिक निर्णय का एक ही हिसाब है जी, कि जिस गठबंधन का मामला हो, एक पार्टी का मामला हो, उसमें एक कर सकते हैं, लेकिन जब गठबंधन है तो गठबंधन के घटक दलों की राय से ही कोई बात होनी चाहिए। और इसके लिए सदा हम मांग करते रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ही नीति निर्धारण करे कि क्या करना है आगे। और हम लोगों की मांग के बाद आपने देखा होगा कि जदयू में भी मांग हो रही है, लोजपा ने भी मांग किया है कि एनडीए में भी महागठबंधन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको अपनाए बिना अगर कोई डिसीजन की बात करते हैं तो उसको तो डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है, और डिक्टेटरशिप से पार्टी नहीं चलती है। और लालू जी का मामला था, लालू जी का समय था जी, अब उतना कोई पावरफुल नेतृत्व नहीं है कि कहा जा सकता है। बावजूद उसके अगर समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो भंग करते हैं महागठबंधन। महागठबंधन से क्या फ़ायदा है, बाकी महागठबंधन में लोग है अपना देखेगा करेगा, लेकिन कोई बिचारे एक पार्टी लाद नहीं सकती। जा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन कहें कि महागठबंधन लाद से नहीं है, हम ही अकेले हैं जो है सो करेंगे, तो लोग रास्ता लेगा। या फिर अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि दो तीन दिन समय ऐसा है, हो सकता है खरमास है फुलना है, ये सब के चलते डिसीजन नहीं हुआ। अब अगर यही बात रहेगी कि सिर्फ एक पार्टी कहे वही डिसीजन होगा, तो कम से कम हम तो जरूर कहेंगे कि फिर उनसे हम लोगों का कोई तालमेल नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, और महागठबंधन का टूट का मतलब है कि अल्टीमेटली वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं, कि फिर उनसे हम लोगों का कोई तालमेल नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, और महागठबंधन का टूट का मतलब है कि अल्टीमेटली वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं, तो उसको तो डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है। और डिक्टेटरशिप से पार्टी नहीं चलती है। लालू जी का मामला था, लालू जी का समय था जी, समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो भंग करते हैं महागठबंधन। कोई बिचारे एक पार्टी लाद नहीं सकती, कहें कि महागठबंधन लाद से नहीं है, हम ही अकेले हैं जो है सो करेंगे। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।